इंडियन डर्ट ओनली इंडियन हैंड कैन क्लीन व्हाइट हैंड कैन ब्लैक। बड़ी खबर, खलनायक 2 में होगी ओरिजिनल कास्ट, सुभाष घई ही देंगे डायरेक्शन। संजय दत्त अभी हाल ही में KGF चैप्टर 2 पृथ्वीराज शमशेरा में विलन के रोल में नजर आए थे और अब फिर एक बार वो खलनायक के रूप में दर्शकों को दिखाई देने वाले हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उनकी फिल्म खलनायक की, जो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब संजय दत्त के इस फिल्म के सीक्वल की आने की तैयारी है, तो आज हम उसी फिल्म से जुड़ी खबर लेकर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चला है कि दोबारा संजय दत्त खलनायक बन सकते हैं, वो फिर एक बार उनकी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। वही नहीं बल्कि खलनायक में दिखाई दिए सभी स्टार्स को फिर से एक बार इसके सीक्वल में लिया जाएगा। इस बात की अनाउंसमेंट खुद फिल्म के डायरेक्टर सुभाष ने ही की है। जी हाँ, 90s के बड़े डायरेक्टर्स में से एक सुभाष घई ने खुद बताया कि खलनायक 2 फिल्म में खलनायक में नजर आई ओरिजिनल स्टारकास्ट ही दिखाई देगी। खलनायक पार्ट 1 के बारे में बता दें तो खलनायक एक 1993 की क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट सुभाष घई ने किया था। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के गाने इतने सुपरहिट थे कि संजय दत्त की इस फिल्म को लोग इसके गाने से भी जानते हैं। फिल्म का चोली के पीछे क्या है गाना, जिसे अलका याग्निक और इला अरुणा ने गाया था, ये गाना इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले साउंडट्रैक एल्बमों में से एक बन गया। फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले थे। खलनायक फिल्म की कहानी बता दे तो कहानी भागने पर फोकस्ड है और इंस्पेक्टर राम जो जैकी श्रॉफ बने थे, वो उनकी प्रेमिका अधिकारी गंगा, जिसका किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था, ये दोनों टेररिस्ट क्रिमिनल बल्लू जो संजय दत्त थे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब देखना ये है कि खलनायक 2 को लेके आगे क्या खबर आती है, और अगर खलनायक 2 आने वाली है तो कब और कहानी क्या होगी, और क्या इसका सीक्वल भी उतना कमाल दिखाता है। अब इन सभी सवालों का जवाब तो फिल्म निर्माताओं से ही पता चल पाएगा।